पिछले 50 सालों से मिर्च की दुनिया में खंडवा का नाम रोशन करने वाली मोहनलाल ओमकारलाल अग्रवाल कंपनी की वृंदावन लाल मिर्च पाउडर अभी लेने के लिए अपने नजदीकी स्टोर पर संपर्क करें। जी बताइए, आपका क्या नाम है और कौन सी कॉलोनी और यहाँ पर आप लोगों को क्या समस्या आ रही है? मेरा नाम वसीम खान है, मैं यहाँ पे 2016 से निवासरत हूँ और ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, एक डायवर्शन कॉलोनी है, डेवलपमेंट कॉलोनी है, गवर्नमेंट कॉलोनी है, जिसकी फैसिलिटी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिया, हम लोगों ने अपना मकान बनाया। लेकिन सर उसके बाद देखने के बाद यहाँ ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सफाई के नाम को तो बहुत दूर की चर्च, रोड की भी व्यवस्था नहीं है। 8 साल से हम कीचड़ में निकल रहे हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है सारी चीजों को हम लोग फेस करते जा रहे हैं। मस्जिद का रास्ता है, लेकिन हम कब तक के इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? उसके बाद ये रोड एक ऐसा है कि यहाँ से सारे नमाजी निकलते हैं, यहाँ पीछे एक आईपीएस स्कूल है जहाँ पे सारे छोटे छोटे बच्चे सुबह से निकल रहे हैं, ये रोड सबसे ज्यादा निकल रहा है। आप देख सकते हो ये रोड, आप ये रोड देखिए, ये रोड पूरा की पूरा कच्चा पड़ा हुआ है। ये यहाँ का बगीचा है, इस बगीचे की जगह है, लेकिन यहाँ पे भी कोई कार्य नहीं है, बगीचे के नाम को कुछ नहीं है। अच्छा, जहाँ पे हम खड़े हैं ये रोड भी कच्चा है, इस तरह से कनेक्टिविटी रोड दिया हुआ है ये भी कच्चा है। चेंबर ओवरफ्लो होकर बहते रहते हैं, जरूरत पड़ती है तो हम खाली कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप किस किस कंप्लेन कर रहे हो, सीएम ऑनलाइन पे करो, कहीं भी करो, वहां पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इस तरीके से और जिस जगह आवक जावक नहीं है वहां के रोड बने हुए हैं, और जहां आगे मतलब बहुत फेस ऑफ फेस पे रोड बनना चाहिए, साफ सफाई के साथ काम होना चाहिए, वो चीज यहाँ पे नहीं हो पा रही है। आखिर ये चीज क्यों हो रही है? अच्छा, कुछ समय पहले की बात है, कुछ महीने, 2 महीने 3 महीने पहले की, यहाँ पे एक रोड आगे बना, एक रोड आगे बना, बाकी के रोड उधर पीछे बन गए। तो हमारा कहने का मतलब ये है नगर निगम से कि ये दो रोड छोड़ने की वजह क्या थी, आखिर ये किस वजह छूटा, आखिर हम लोगों से क्या गलती हुई है? क्या हम लोग टैक्स पेयर नहीं है? क्या हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं करवाई है? या हम लोगों ने यहाँ पे एक नंबर में जमीन नहीं लिया है? आखिर हम लोग क्या 2 नंबर में आते हैं? वजह क्या है? हम लोग सिर्फ आपके माध्यम से हमारे ये निवेदन है कि प्रशासन और नगर निगम हमारी समस्याओं का निराकरण करें और हमारे इन रोडों को आसानी के साथ कंप्लीट करके हमारी मूलभूत सुविधाएं हमको देने की कृपया करें। हमारे छत पे चढ़ जाते हैं, हमारे को इतने परेशान करते हैं, रात में उठाते हैं और दरवाजा ठोकते हैंगे, लाते मारते हैं, गंदगी भी इतनी है, ये देख लो ये जरा सामने किस कदर की गंदगी है, मक्खियों का है तो इस कदर का झुंड होता है ये गंदगी की वजह से। कितनी गंदगी वो रोड बनवा भैया, बस हमको रोड होना और सफाई होना हमारे सामने। मानो बेगम जी बताइए, कौन सी कॉलोनी पर क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। क्या किस प्रकार की समस्या आ रही है आपको? यहाँ गंदगी बहुत है, कुत्ते भी बहुत है, ना रोड बनी है, ना कचरा भी बहुत है, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आता, ना यहाँ लाइट है, ना कुछ है। बगीचे में देखो कितने जमाने का भी बैठा रहता है आके, और कचरा कूड़ा कुत्ते बहुत बैठे रहते हैं, चोरी भी होती है। देखो हमारी दीवार अभी भी तोड़ी है किसी ने, वो देखो ना दीवार तोड़ी ना हमारी किसी ने, आप भी देख सकते हो। इतनी मजबूत दीवार, अभी नई दीवार बनाई है ये, किसने तोड़ी है दीवार? अब पता नहीं किसने तोड़ी, कौन ने तोड़ी, रात में किसी को देखने आए चोरों को हम? तो अब क्या चाहते हो? क्या हटाओ सबको चोरों को, ये झाड़ हटा वहाँ से, और सफाई करवा पीछे, और बाकी तो सही करवा। प्रकार की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है? नहीं, कोई नहीं मिल पाती, नहीं। आप इस कॉलोनी का नगर निगम में किसी प्रकार का टैक्स जमा करते हो क्या? हाँ, जमा होता ना हमारा टैक्स। फोन लेने आता कि आप जमा करने जाते हो? हाँ, हमारा वो जाता ना, मैं तीन जमा करने। क्या नाम है आपका? अफसरी भी। पीछे बगीचा है, क्या समस्या है? पीछे बगीचा है, पीछे से वहाँ का सबको भागा, वहाँ की सफाई करवा, जिसमें सबको वापस को मिले हो बगीचा। अभी आने वाले टाइम में कोई मकान मकान बनाए कब्जा वब्जा भी कर सकता है इसको। अभी बताइए कौन सी कॉलोनी और यहाँ पर क्या समस्या आ रही है आपको? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नागचून रोड खंडवा, ये मेरा घर है जो पीछे दिखाई दे रहा है, और ये मेरे घर के पास का चेंबर है जो पिछले 1 महीने से इसी तरीके से बह रहा है, जिसकी कि मैं लिखित शिकायत नगर निगम में दे चुका हूं। इसके लिए मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी,
उस बात को भी 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन आज तक इस चैम्बर का को सफाई करने के लिए कोई भी सफाई कर्मचारी इधर नहीं आया। इसी तरीके से ये जो चैम्बर आज बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पूरे LIG सेक्टर के सारे चैम्बर्स इसी तरह से चौक है और इसी तरह से ओवरफ्लो होते हैं और इसी तरीके से ये गंदगी रोड पर बहती है, जिससे कि हमारे क्षेत्रवासियों में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही है। और इसमें इसमें एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस समस्या को लेकर जो मैंने CM हेल्पलाइन में शिकायत की थी, जिम्मेदार अधिकारियों ने उसका निराकरण मुझसे कांटेक्ट और मेरी समस्या का निराकरण किए बगैर निराकरण उस स्टेटस में लिख दिया। मुझे ये कुछ दिन बाद पता चला कि जब मैंने स्टेटस चेक किया, जब मुझे पता लगा कि ये इसका निराकरण अधिकारियों ने लिख दिया है, तब मैंने दोबारा उसमें ऑब्जेक्शन लिख करके जो है फिर से शिकायत की। जब अगले दिन आके जमादार ने जो है मुझसे रापता किया और बावजूद आज तक के आज 4 दिन हो गए उस बात को, वो ये कहकर कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है जो ये सफाई कर सके, हम व्यवस्था कर रहे हैं ऐसा आश्वासन दिए भी अभी आज 4 दिन हो चुके हैं और इसी तरीके से पूरी कॉलोनी में इस सेक्टर में इसी तरीके से गंदगी रोड पर फैल रही है। इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से आयुक्त महोदय और निगम के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस पूरी कॉलोनी में व्याप्त ये गंदगी की जो हमारी समस्या है, इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, यहाँ के रोड्स बनाए जाए, यहाँ प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त की जाए, क्योंकि प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने की वजह से यहाँ कॉलोनी में अंधेरा रहता है, जिसके चलते क्षेत्र में 2-3 चोरियाँ हो चुकी है पिछले 1 महीने में, तो इस प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए, ऐसी मांग है हमारी। ये हमारे मूलभूत अधिकारों में भी आता है, जिसका जो कि हमें मिलना भी चाहिए, जिसके कि हम अधिकारी हैं। आपका परिचय बताइए। जी, मैं यूसुफ खान, LIG 8 मेरा घर है। और जी बताइए, कौन सी कॉलोनी और आपको यहाँ पर क्या समस्या है? मैं हाउसिंग बोर्ड LIG 6 में का रहवासी हूँ और ये जहाँ जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये सामने एक अदर कॉलोनी है तारानगर, जिसकी सुरक्षा बाउंड्री वाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के टूटने के बाद यहाँ से जाने आने के लिए रास्ता आम हो गया है। और इस आम रास्ते को होने के कारण, रास्ता जो है आम हो जाने के कारण, इस हफ्ते में कम से कम 3 चोरी की वारदातें इस कॉलोनी में हो गई है, जो इसी मार्ग से पूरी कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड और तारानगर में मोटरसाइकिल लेकर के पल्सर से चोर आते हैं और चोरियां करके एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी से होकर के निकल जाते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि जो तारानगर का चैम्बर है, वो चैम्बर को हाउसिंग बोर्ड के चैम्बरों से जोड़ दिया है, जो इतना वहन नहीं कर सकते और वो फूट करके ये पानी आप देख रहे हैं गंदा, इस रास्ते से होकर के हाउसिंग बोर्ड में जा रहा है। ये गंभीर समस्या है। एक तरफ तो सरकार जो है मलेरिया भगाओ, डेंगू भगाओ और साफ सुथरा रखो, सुरक्षा के नारे लगाए जाते हैं, कचरा वाहन आता है वो उस पर स्पीकर बजते हैं बाकायदा, और ये सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इस तरीके से गंदगी फैल रही है हाउसिंग बोर्ड में। इसकी शिकायत अपने नगर निगम को नहीं की? 500 मरतबा कर दी है, हमारे पास आवेदन भी रखे हैं और सब बता दिया नगर निगम को हमने, लेकिन नगर निगम को चाहिए था कि अगर तो आप समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, किस लिए रुका हो? नगर निगम कोई ध्यान ही नहीं देता, कभी कोई ध्यान नहीं। आजकल तो प्रशासन को देख करके बिल्कुल नगर निगम मोर हो गया और राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। उनको ये इस दीवार को तोड़ना था अगर, तो कनेक्टिविटी गेट लगाना था कॉलोनी से कॉलोनी को जोड़ने के लिए, न कि पूरी दीवार हटाना था। उससे वाहनों का आना जाना शुरू हो गया, भारी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ से IPS स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं और वो उनके साथ में कोई दुर्घटना हो सकती है। आप देख रहे हैं ये जो झाड़ है, ये झाड़ों को काटने के लिए अभी तक नगर निगम की कोई टीम इधर आई नहीं है और वो पूरे बिजली के तारों से झुबले हुए हैं। अगर कभी करंट उतरता है या कोई बच्चा इसकी चपेट में आ जाता है तो गंभीर दुर्घटना हो जाएगी, गंभीर नुकसान हो जाएगा जान माल का। हमारी एक मांग और भी है कि जिस तरह राजनीतिक दबाव में निगम द्वारा इस कॉलोनी की सुरक्षा वाल को तोड़ा गया था, इसी तरह इस सुरक्षा की को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम से हम ये मांग करते हैं कि इस दीवार को पुनः बनाया जाए, ताकि यहाँ पर जो चोरियों की घटनाएं हो रही है उससे भी क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। जी, आपका परिचय बता दीजिए। मैं जाकिर शेख एडवोकेट, खंडवा LIG 6 में रहता हूँ।
पिछले 50 सालों से मिर्च की दुनिया में खंडवा का नाम रोशन करने वाली मोहनलाल ओमकारलाल अग्रवाल कंपनी की वृंदावन लाल मिर्च पाउडर अभी लेने के लिए अपने नजदीकी स्टोर पर संपर्क करें।